कोटद्वार दुगड्डा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की समस्या पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने उठाए सवाल। पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड्डा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी दर्ज की। कहा, रोडों के चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया। कहा कि NH 534 पर मानसून सीजन से पूर्व प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, PWD मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र होने के बाद भी सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई। यात्रियों को बरसाती सीजन में लैंडस्लाइड के चलते घंटों जाम में फंसना पड़ रहा। बताया, वो विकास के समर्थक हैं, लेकिन ऑल वेदर रोड के नाम पर राज्य में हुए विकास में गुणवत्ता की कमी के चलते लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। बताया कि जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड लोगों को आवागमन में असुविधा तो पैदा कर ही रहे, बरसाती सीजन में पहाड़ों पर सफर करना जोखिम भरा हो गया। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है, ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बाद बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ, वैसे ही वहां पे बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारे सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, कि जब मालूम है उनको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है, उसके एक आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है और फिर कहीं ना कहीं वो लोगों को जान गंवानी वहां पे पड़ती है और बहुत सारे हादसे भी होते हैं और कई घंटों, दो दो चार चार पांच पांच घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कई जरूरी काम, चाहे कोई अस्पताल जाने वाला रोगी हो या कोई बुजुर्ग हो, आने जाने वाले यात्री सब परेशान हैं। हमारे को एक और बात कहनी है कि जहां पर हमारे PWD मंत्री जो उस उत्तराखंड के हैं, वो उनका गृह क्षेत्र उसी रोड से उनका आना जाना होता है, जब वो उस सड़क को ठीक नहीं कर पाए तो वो पूरे राज्य को कैसे देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, हम जो ऋषिकेश और बद्रीनाथ वाली सड़क की बात करते हैं, जहां आप ऑल वेदर की बात करते हैं, गडकरी जी ने, हम क्योंकि सम्मान करते हैं, एक बहुत विजन वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके यहां पर गुणवत्ता की कमी रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था, वो गुणवत्ता हमारे उत्तराखंड की सड़कों पे नहीं मिली है। ठेकेदारों ने जिस तरीके से आनन फानन में पूरा पहाड़ खोद के रखा, आज आप पूरे साल भर देखिएगा, बरसात ही नहीं, पूरे साल भर में कहीं न कहीं लैंडस्लाइडिंग होती है और उससे कई लोगों की जानें चली जाती है। और अब बरसात में तो इतना खतरा है कि कोई भी यात्री वहां जाने से डरता है। अभी आप हाल में देखिएगा, परसों कुछ दिन की बात है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट वहां पे हुआ, तो रोज ही यही परेशानी है। आज भी हम लोग पौड़ी से आ रहे थे, लगभग पता लगा कि तोता घाटी और ये नीचे कहीं पर सड़क बंद हो रखी है। अब इस तरीके से बताइए कि कई मुख्यालय, से हमारा पौड़ी मुख्यालय है, हमारा रुद्रप्रयाग है, डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां से कोई जरूरी काम अगर कोई करेगा तो ये सड़कें दोनों तरफ से बाधित हो जाएंगी, तो हम लोगों का आना जाना कैसे होगा, ये परेशानी है, ये सवाल है। सरकार को इस समय, अब तो बरसात आ गया, लेकिन जब भी बरसात से पहले, उन्हें मालूम है, मैं दोबारा से दुगड्डा और कोटद्वार की बात कर रहा हूं, दुगड्डा कोटद्वार मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो लगभग जो नजियाबाद से लेकर और बुआकाल, जो 534 राज्य नेशनल हाईवे है, ये 151 किलोमीटर लगभग है, लेकिन इसकी सड़क की पूरी स्थिति खराब है। और दुगड्डा की स्थिति तो इतनी खराब है कि थोड़ा सा भी अगर मौसम खराब होता है तो एकदम बंद हो जाती है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।